नमस्ते, वेलकम टू माय हंगर पैंग्स। आज का रेसिपी है वेजिटेबल झाल फ्रेजी। झाल फ्रेजी यानी कि स्टर फ्राई, इस डिश की तीन खासियत है। पहली खासियत, इसका जो ओरिजिन है ये एंग्लो इंडियन क्विजीन को बिलोंग करता है। ब्रिटिश राज में मेम साहेब और खानसामा लोग साथ में मिलके ये डिश बनाया करते थे। इसकी दूसरी खासियत, ट्रेडिशनली इसे लेफ्ट ओवर रोस्ट चिकन के साथ बनाया जाता है। इसकी तीसरी खासियत, इसके कटिंग में सारे वेजिटेबल्स हम जो यूज करेंगे उसे बहुत ही फाइनली चॉप करेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे हम काटते हैं। येलो पेपर्स, रेड बेल पेपर्स, ग्रीन बेल पेपर्स, ग्रीन बीन्स यानी कि फ्रेंच बीन्स, मशरूम्स, एक प्याज, कैरेट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना हमारा वेजिटेबल झाल फ्रेजी। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे करीब 2 से 4 बड़े टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें पहले डालेंगे करीब 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च। इसमें हम डालेंगे करीब 1 बारीक कटा हुआ प्याज। एक बार इसे मिक्स कर लीजिए। हम इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे ताकि हमारा प्याज पक जाए। हमारे प्याज स्लाइटली पिंक हो चुके हैं। इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, 1 बारीक कटा हुआ गाजर, करीब 6 से 8 बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स यानी कि ग्रीन बीन्स, 1 बारीक कटा हुआ ग्रीन कैप्सिकम, 1 बारीक कटा हुआ रेड पेपर, 1 बारीक कटा हुआ येलो पेपर और लास्ट इंग्रेडिएंट करीब 6 से 7 बारीक कटे हुए मशरूम्स। अगर आपके पास येलो और रेड बेल पेपर्स नहीं हैं, आप फिर भी डिश बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बारीक कटे हुए बंदा गोभी भी डाल सकते हैं। हम गैस के आंच को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे वेजिटेबल्स फ्राई हो जाए। चुटकी भर नमक, अनदर गुड मिक्स और फिर हम इसे ढक देंगे करीब 10 मिनट के लिए ताकि हमारे सारे वेजिटेबल हल्का सा पक जाए। एक बार मिक्स कर लेते हैं। याद रहे कि जब आप वेजिटेबल झाल फ्रेजी बना रहे हैं, आपके वेजिटेबल्स ओवर कुक ना हो जाए। झाल फ्रेजी का खासियत है कि वेजिटेबल्स स्लाइटली क्रिस्पी रहे। मेरे हिसाब से वेजिटेबल्स आर रेडी। अब इसमें डालते हैं सॉसेस और मसाले। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच पपरिका पाउडर। अगर आपके पास पपरिका पाउडर नहीं है, आप प्लेन रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर यूज कर सकते हैं। 2 से 3 छोटे चम्मच इमली का पानी। झाल फ्रेजी का सबसे इम्पोर्टेंट सॉस यानी कि वूस्टरशायर सॉस, आप डालेंगे इसमें करीब 3 से 4 छोटे टीस्पून वूस्टरशायर सॉस। एक बार फिर से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लीजिए। झाल फ्रेजी के सारे टेस्ट को बैलेंस आउट करने के लिए हम इसमें हल्का सा शहद डालते हैं। चुटकी भर नमक एक बार फिर से। अगर आप चाहे तो आप इसे चिकन झाल फ्रेजी भी बना सकते हैं। इसमें बॉइल्ड चिकन या जैसे खानसामा लोग बनाते थे, आप लेफ्ट ओवर चिकन भी इसमें डाल सकते हैं। आपका वेजिटेबल झाल फ्रेजी रेडी है। आप इसे जीरा राइस के साथ खा सकते हैं, टोस्ट के ऊपर लगा के खा सकते हैं या खा सकते हैं।
Hope you enjoyed this video. Keep watching My Hunger Pangs for many more such recipes.